ओके हाँ जी क्या हुआ तो वेस्ट चाहिए उसका लॉस क्या मैं पूछो व्हाट इज द लॉस कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कैसे ज्यादा होगी वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमें जो होती है वो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी पे करनी पड़ती है 1% कैपेसिटी हो 100% कैपेसिटी हो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही लगेगी यानी हार्म क्या है हमारे पास हार्म ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इफ द फर्म इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्शन अप टू 100% कैपेसिटी ठीक है सेकंड पॉइंट आपने लिखा क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थर्ड पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू रिप्लेस द प्रोडक्ट विच द फर्म वॉन्ट्स टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट विच द फर्म वॉन्ट्स टू डिसकंटिन्यू मतलब आप एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो डिसकंटिन्यू कहोगे तो उसके बदले में कोई सब्सिट्यूट तो लेके आओगे क्या कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल है इसको रिप्लेस करने के लिए Is any substitution is available for replacing this particular product? In that case, you have to substitute it with any other product. या तो ये भी production ही बंद कर दिया कि हमने इसका काम ही नहीं कर दिया. We are going to be shift on other productions. या फिर हम कहते हैं कि अगर ये बंद करेंगे तो ये खोलेंगे, ये बंद करेंगे तो ये खोलेंगे. In that case, what is a substitute of that product? Is the substitution of that product is available or?